अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हसनैन रज़ा और तुसी देख रहे हो ज़िमीदार एग्री सर्विसेज। मैनू उम्मीद है मेरे देखने वाले सारे खैरियत ना होंगे और अल्लाह ताला तुहानू आपदी हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दी असी वीडियो दा आगाज़ करांगे। तुहाडे सामने प्लाट नज़र आ रहा है, मक्की दा प्लाट है। इहदे विच कोई 10% बीमारी है रूट रॉट, स्टॉक रूट जिहनूं आपां कहिंदे आ। असी स्टॉक रूट अज दा अपना टॉपिक जिहड़ा स्टॉक रूट ही है कि स्टॉक रूट बीमारी मक्की दे खेत दे विच क्यों आ जाती है और असी इहनूं कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। आओ जी असी अज दी वीडियो दा आगाज़ करांगे। तुहानूं खेत दे विच जा के पौधा मुतासरा पौधा दिखावांगे कि उहनूं बीमारी किस तरह उहदे ते अटैक करदी है। और आ जाओ जी, ए मेरे नाजरीन नूं पौधा नज़र आ रहा जी। ए पौधा जी, ए पौधा रूट रॉट जिहड़ी बीमारी उहदी वजह तों ही खुशक होया है। टोटल पौधा सुक गया। मुख्तलिफ पौधे मेरे नाजरीन नूं नज़र आ रहे होने ने। ए रूट रॉट बीमारी दी वजह तों काफ़ी जिहड़ा ना खेत मुतासर होया है। इस इहदा जी असीं पहले ज़िमींदारां नूं दस दईए कि मसला हुंदा क्यों आ। थोड़ा जिहा इधर इधर कैमरा बारी होना जी, इधर ए देखो ना जी, ये सारे खेत दे विच जी टिब्बियां दी शक्ल दे विच बीमारी दा अटैक है। असीं अज नाज़रीन नूं दसांगे कि बीमारी नूं कंट्रोल किस तरह करना है और ये बीमारी कितना नुकसान कर सकती है। ये 50% तक जिहड़ा ना जी मक्की दा नुकसान कर दिंदी है। ये आउंदी है जिस टाइम मक्की गोभ दी हालत दे विच आ जांदी, उस टाइम ये बीमारी दा अटैक हुंदा है। ये बैक्टीरियल ब्लाइट है जी, जिहड़ी कि पौधे का जिहड़ा तना है जमीन तो जिथों शुरू होंदा है उहदे मुढ़ दे विचों उत्थों तुहाडे तने नूं उहनूं फंगस लगदी है। जे अगर तुसीं उहनूं खोल के देखोगे तो इहदे विच साडे कोल ना जी कोई छुरी जां कोई है नहीं। इहदे विच दाती वगैरह जिथे असीं आपदे ज़िमीदार भाइयों नूं खोल के दिखा दिंदे। बाई दा वी असीं गुजर रहे सी ते इत्थे असीं देखिया मुतासर प्लाट सानूं नज़र आया। असीं कहा चलो मौके दा फायदा उठा के ज़िमीदार भाइयों नूं दिखा दी है कि इतने मसला रूट रॉट का मसला आया। इहदा ऑरगैनिक मैटर जिहड़ी जमीन दे विच कमी, जिहड़ी ऑरगैनिक मैटर की कमी ना जी, इस वजह तो भी रूट रॉट की बीमारी आ जाती। दूसरी वजूहत वजह इहदी इह है जी कि बीमारी ये फसलां जिहड़ियां जी रूटीन दियां फसलां लगदियां रहिंदियां ने, फसलां की कोई रद्दो बदल नहीं होंदी। मक्की, फिर मौसमी मक्की, फिर आलू, ना जमीन नूं रैसट मिली, ना उहदे विच कोई ऑरगैनिक मैटर गया जमीन दे विच पाया, ना कोई जंतर बीजा, ना कोई आली बीजी, आली उहदे विच पाई। इस वास्ते जमीन जिहड़ी कमज़ोर हो जाती, उहदे विच जिहड़ी बैक्टीरियल डिजीज़ है, उहदे विच फंगस है, मुख्तलिफ किस्म दियां जमीन दे विच बीमारियां आ जांदियां। इहनूं कंट्रोल करन दा जिहड़ा देरपा तरीका है उह तो इह है कि तुसीं जिस टाइम मक्की दी बिजाई करदे पए उस टाइम इहनूं सीड ट्रीटमेंट, ऐसी सीड ट्रीटमेंट दा इस्तेमाल करो जिहदे विच जिस सीड ट्रीटमेंट दे विच इनसैक्टीसाइड होण दे नाल नाल फंजीसाइड भी होवे, क्योंकि फंजीसाइड जिहड़ा है वह शुरू दे विच पौधे नूं बैक्टीरिया तो महफूज रखदा, उहनूं डिजीज़ तो महफूज रखदा। और अगे जा के जिस टाइम तुसीं मक्की तुहाडी गोभ दी हालत विच आ जावे, उत्थे ज़िमीदार गलती इह करदे ने कि मक्की दे विच पानी बहुत ज़्यादा जमा कर देंदे ने। जमा नहीं पानी करना चाहिए, तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन इहनूं पानी लाई रखो, वत्तर की हालत रखो। पानी कोठियां दे उत्तों खेलियां दे उत्ते ना चाढ़ो ज़्यादा, वत्तर की हालत दे विच रहना जरूरी हुंदा है। उस तों बाद असीं इहदा पेस्टीसाइड दे लिहाज़ नाल हल दसांगे। जिस टाइम तुहाडी फसल कोई हो जाए, जिस टाइम गोभ दे विच गोभ की हालत आ जाए, उस टाइम तुसीं इह करना है कि तुहाडी जिहड़ी फसल है उहनूं तुसीं दो जिहड़े पैकेट ने वह थायोफनेट दे फ्लड करने, बेशक बीमारी तुहानूं नज़र आवे ना नज़र आवे। अगर तुसीं इहदा अर्ली हल कर लोगे, इहदा अर्ली इहदा कोई सद्देबाब कर लोगे तो फिर तुसीं इहदे नुकसान तो बच जाओगे। जिस टाइम बीमारी का अटैक हो जाएगा फिर तुसीं इहनूं जो भी फ्लड करोगे रुक जाएगी, लेकिन तुहाडा नुकसान हो जाएगा। मशवरा यह है कि तुसीं जिस टाइम मक्की तुहाडी गोभ की हालत में आए उस टाइम तुसीं थायोफनेट दो पैकेट फी एकड़ फ्लड इहनूं करो, 800 ग्राम बनती है। या फिर तुसीं इहनूं अपना फोस्टाइल एलूमीनियम वो 1 किलो इहनूं फ्लड करो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर तुसीं कापर ऑक्सीक्लोराइड और उहदे नाल मिक्सचर है, दो जहरां दा मिक्सचर है, कापर ऑक्सीक्लोराइड कसूगा माइसिन, वो 500 ग्राम फी एकड़ इहनूं फ्लड कर दिओ, तो इंशाल्लाह
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਟ ਰਾਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।